दाग फायर मूवी का भाई नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में पुलिस वाला आया यार, उसको पकड़ के ले गया जो बेचारा ईमानदार बन रहा था। तो प्ले करें क्या? मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ऑल राइट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। दाद! मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारी जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है, देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। बुल्ला और उनके आतंकवादी गिरोह पे गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन करण इन कमांड सर, आउट एंड रॉजर। सर वी आर फाइंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट सर, जहां उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है सर। बच्चों को उठाएगा? यू बास्टर्ड। देख उनकी आंखों में छिपे हुए खौफ को, देख यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता हूं। मारे बच्चों को मारेगा। I know he's dead. Happy birthday, Rita. Thank you. Happy birthday. We are proud of you, Captain Karan. हमें नाज है आप जैसे बहादुर अफसर पर। बहादुर तो सब होते हैं सर, मैं जरा सा लकी हूँ। भी कोई रिश्वत नहीं ली, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेरिया वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी। चूंकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली, इन लोगों ने मिस्टर सत्य प्रकाश, ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं, मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। मिलोर्ड जिन सिंघाल और सक्सेरा की ये बात कर रहे हैं, उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है, जिनसे रिश्वत इन्होंने ली। इसीलिए मिलोर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सत्य प्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्य प्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा। इजाजत है। थैंक यू मिलोर्ड। मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर सत्य प्रकाश का अपना भरोसेमंद पियन
रामपाल सिंह। रामपाल सिंह हाजिर हो। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप फिक्र मत करना जी, मैंने करण को बुला लिया है, हम लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना जी। कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों के नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माजी, माजी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को बुलाओ कोई। Let's move. करण! करण, मेरे बच्चे। करण तू आ गया, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? इतने में तो उस वकील रवि वर्मा ने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल में भिजवा दिया। बेटे जल्दी कर, जल्दी जाकर उन्हें छुड़ा ला, जा जा छुड़ा ला, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, अब तक न जाने क्या हाल हो गया होगा। और रवि बाबू, वाह क्या कांटे से कांटा निकाला है आपने, मजा आ गया। मगर भैये 2 साल बाद वो वापस लौटेगा और फिर से हमारी फाइलें खोल के बैठ जाएगा, तब जो आदमी 2 साल की सजा काट के आता है ना बिहारी बाबू, सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती, भूल जाओ उसे, खत्म हो गया वो। पुरुषोत्तम, हाँ? तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो। ठीक है, सबसे ऊंचा पेंटहाउस मेरा होगा। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। और हाँ डैड, आप भी बेफिक्री से अपने होटल का काम शुरू कर दीजिए, मैं चलूं। ओके बाय जी, ओके बाय। सिंघाल साहब, सिंघाल साहब, हमें तो तसल्ली नहीं है, सांप को अधमरा मत छोड़ो, उसे कुचलना है तो पूरा कुचलो। मतलब? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मान लो अगर वो सत्य प्रकाश ससरा जेल में आत्महत्या कर ले तो। वो काहे को करने लगा आत्महत्या? समझा करो, जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्महत्या ही कहते हैं, क्यों? और जिस आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं फिर ना वो मुंह खोलता है ना फाइल। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने, कभी कहते यहाँ जाओ, कभी कहते वहां जाओ, कभी कहते यहाँ साइन करो, कभी कहते वहां साइन करो, नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन एनफ। ओके, देखिए हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। ये भी मान, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप? यू नो हु आई एम, आई एम कैप्टन करण, कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूं, एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबू जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो खोलो दरवाजा खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7:549 में आत्महत्या कर ली थी और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर उनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया। बाबूजी, बाबूजी, भाई करण, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी,
बाबूजी मैं करण हूँ बाबूजी। बाबूजी बोलिए ना बाबूजी। बाबूजी ही इज डेड कैप्टन। जानता हूँ जानता हूँ मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। आत्महत्या नहीं है ये, मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो। आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गया क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो। कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं आप? ये खतरनाक खतरनाक पुराना यार, ये तो गलत हो गया यार। हम तो सोच रहे थे कि अभी हमारा भाई आ रहा है, खलनायकब इनका मुकाबला करेगा अपने बाप के साथ, जैसे काशी भाई हमारा देवा भाई कर रहा था। और वहाँ भी भाई हमारे ठाकुर साहब हरामी था, और उसकी वजह से मास्टर जी ने अपने आप को कोर्ट में ही गोली मार दी थी। और यहीं पे सेम वही हो गया यार, इनको बस जेल में अंदर कोई फांसी दिलवा दी है, इन्होंने आत्महत्या की। बट जो भी हुआ ना, बहुत यार बुरा हुआ यार। हम तो खुश हो रहे थे हमारा भाई आया है तो हमें मज़ा आएगा देखने में, और पर इनको तो और भी यार इन्होंने ना जुल्म कर दिया। ये जो भी है ना, ये हरामी सत्तर सिंह या ये वकील हरामी कुत्ता, जब उसको जेल में जेल ले जा रहा है वो पुलिस वाला, वहाँ पर भी ऑफर कर रहा है हरामजादा, बोलता है कि अभी आप ये सब कुछ वापस ले लो तो मैं अभी के अभी आपके सारे केसेस भी वापस ले लूँगा। इतना हरामी था। बट बाबू जी इसने ना जो बाल बोला, मेरा बेटा ईमानदार है भाई, तुम उसकी तरह हो ही नहीं। पर आज यार ये मोदी बहुत अफसोस हुआ। ऐसे ईमानदार ऑफिसर मर जाते हैं ना, मास्टर जी का भी पहले हमने देखा, ये बड़ा गलत करते हैं। अभी हमारा खलनायक आ गया, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था, ये भी चला गया यार, बड़ा अफसोस होता है हमें। तो ये है ना, सच्चाई को दबा दिया इन लोगों ने, मिलजुल कर है ना इस मास्टर साहब को मार दिया जेल में। यार इतनी सच्चाई है ना हिंदुस्तान में, जो भी उठाता है ना सत्तर सिंह वाले, ये सारे हरामी है भाई। वो हमारा खलनायक आया, उसने भी भाई जो कैदियों को धोया भाई, पकड़ पकड़ कर, बोलो किसने किया है? कैदी की भी सांसें अटक गई है, पुलिस वाले भी सारे है ना झक मारे भाई। ये वकील तो बड़ा हरामी है यार, ये तो भाई मैं तो इसको गाली भी नहीं दे सकता, ये गाली से ही बेहतर है, ये बड़ा हरामी है यार। मैं तो अफसोस है यार, ये खलनायक के पिता का यार बहुत। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।